रतलाम में आयोजित मुख्यमंत्री ट्रॉफी में वर्ली बिल्डिंग आयोजन के दौरान सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री एवं भाजपा विधायक चैतन्य कश्यप, रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल कड़ी निंदा युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव राजू गुजराती के द्वारा की गई है। युवा कांग्रेस के द्वारा मंगलवार की रात कोतवाली चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा का पुतला फूंका गया। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव राजू गुजराती ने कहा कि भाजपा नेताओं की सर्वनाश करतूत पर उन्हें अपने पदों से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तत्काल उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष नईब नवाब, पूर्व नापा अध्यक्ष राकेश राय, नरेंद्र खंगराले, घनश्याम यादव, डॉक्टर रघुवीर सिंह डांगी, भगत सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक गण मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, रतलाम के भाजपा विधायक चैतन्य कश्यप की उपस्थिति में महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा रतलाम में जो हिंदू धर्म का अपमान सरासर किया है, इसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया है। हम मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, इन्हें तुरंत इनके पदों से बर्खास्त किया जाए, इन पर FIR किए जाए और इन्हें जेल भेजा जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म के सम्मान में ईंट से ईंट इनकी बजा के रख देगी। किस तरह का अपमान किया है आपने स्वयं देखा होगा, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, ऐसा अपमान उन्होंने किया है। राजीव जी, आमतौर पर आस्थाओं से खिलवाड़ को लेकर हिंदू संगठन विरोध करता है और घुटने भुगता है, आज कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, आप समाज का आईना है, आपको उन तथाकथित संगठनों से ये सवाल करना चाहिए कि वे आखिर कहाँ छुप रहे हैं इस मामले में। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।